हेलो एवरीवन, माय नेम इज रियान नेगी और सीन कुछ इस प्रकार है। तो इससे पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूं, मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था आई विल मेक ए व्लॉग एटलीस्ट वंस इन ए वीक, तो वो पूरा ही नहीं हो पाया। तो जैसे कि आप सबने टाइटल में पढ़ा होगा गार्बेज वीडियोस, गार्बेज का मतलब कूड़ा कबाड़, वो वीडियोस जो कई सालों से मेरे लैपटॉप मेरे फोन में पड़ी हुई है, जिन्हें ना तो मैं कभी डिलीट कर पाया हूं और ना ही कभी दोबारा देखी है। तो आज ये लौंडा उन सारी वीडियो को एकत्रित करके, वो वीडियो जो एक नॉर्थ है एक साउथ है, उन सबको जोड़ के एक कंटेंट बनाने वाला है। मैं नॉर्मल दिन की तरह अपने फोन पे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो है जिसमें एक बंदा ऐसे कैमरा पकड़े कैमरे से बातें कर रहा है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, उसकी दो तीन वीडियो और देखी और मैंने कहा ये मुझे करना है। हाँ तो कैसा लग रहा है यार, मतलब क्या फील हो रहा है अंदर से? इतना अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह ऐसे दीपिका पादुकोण का चेहरा दिखता है ना, तो दिल खुश हो जाता है यार। ये देखो दीपिका पादुकोण। तो फिर क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने दोस्त को रेडी किया और अपना फोन उठा के हम निकल गए। हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम बियान नेगी एंड ये सब आप जानते हो शालो को रेडी के साथ और मीट माय बेस्ट फ्रेंड ये कृष्णा। हे हाय बोल। हाय गाइस। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यार मेरी लाइफ में कुछ इतना हैपनिंग है, इतनी कुछ ट्रैवलिंग नहीं है, तो मैं क्या करता, तो मैंने अपनी फेवरेट चीज पे वीडियो बनानी चाहिए जो कि थी चाय की टपरी। फाइनली अब हमें चाय की दुकान मिली है। मिली कुल्लड़ वाली चाय और चाय पीते हुए अपनी वीडियो बनाई। अब शूट तो कर लिया लेकिन उसके बाद पता नहीं था कि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसकी एडिटिंग, वीडियो पोस्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज हो गई फ्लॉप। उसके बाद मैं वीडियो बनाता रहा बट वो सिर्फ बन बन के स्टोर होती रही। आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ओए मेरी टोपी टूट रही है, थोड़ा धीरे चला। सर मुझे पता ही नहीं है पाकिस्तान में बॉलर कौन कौन से हैं। सोनू धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया और वो सब छूट ही गया। कई बार कोशिश करी कि व्लॉगिंग करूं, फिर आया 2020 कोरोना काल, जहाँ सबके सब पूरी दुनिया थम गई थी लॉकडाउन का टाइम, जहाँ उस लॉकडाउन में लोगों ने वेब सीरीज पे वेब सीरीज देखी ज्यादातर लोगों ने, मैंने सिर्फ व्लॉगिंग देखी, ट्रैवल व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग, लोगों को चीजों को एक्सप्लोर करना, ये सब इच्छा बहुत थी। बट दिमाग के अंदर ही था कि ये सब चीजें कैसे होंगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा और मैं इतना कोई बाहर निकलता नहीं हूँ। तो ऐसे ही सजेशन में एक दिन वीडियो आई इरफान जोनी जो, उस बंदे की वीडियो देख के लगा कि ऐसे भी व्लॉगिंग होती है। इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट तरीका है व्लॉगिंग करने का, अपनी स्टोरी टेलिंग करने का। तो फिर क्या था, मैंने उसी दिन मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया और पोस्ट कर दिया और उसमें मैंने कमिटमेंट कर दी कि मैं हर महीने हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ रीजन की वजह से। बट मैं उसके बाद वीडियोस बनाता रहा और दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि यार अब ना सिनेमैटिक व्लॉग बनाने अपनी इस इंटरेक्शन के साथ। रस्ते ख्वाबों के जुड़ते हैं आसमानों से, चले दिल में है एक आस, उस आस से दिखते हैं कई रस्ते, कौन सा रास्ता कौन सी मंजिल तक ले जाएगा। तो वीडियो बनाई और उसको भी स्टोर करके रखी रस्ते, बट पता नहीं था कि उसका इस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा और मैं अपनी स्टोरी और अपनी वीडियो इस तरीके से बताऊंगा कि आखिर में जुड़ता हर एक लम्हा है, ध्यान से देखोगे तो शायद महसूस करोगे
जो कल था वो जुड़ चुका है आज से, और जो आज है वो जुड़ने ही वाला है आने वाले कल से। दिल में है एक आस, उस आस से दिखते हैं कई रास्ते। कौन सा रास्ता कौन सी मंजिल तक ले जाएगा पता नहीं, पता सिर्फ ये है कि रास्ते ख्वाबों के जुड़ते हैं आसमानों से। पता सिर्फ ये है कि अगर ख्वाब खुद का तो फिर धुन किसी और की कैसे हो सकती है। तो ये थी स्टोरी मेरी उन वीडियोस की जिनको मैंने कभी एक मोटिव के साथ शूट किया था। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी वीडियोस हैं और कुछ ऐसे किस्से हैं तो किसका वेट कर रहे हैं आप? के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यू नो जो बगल में रेड कलर का जो बटन है ना उसको दबाना। ओके बाय।